अस्सलाम वालेकुम। मज़मून खेले करे सीखे में, सबक वर्जिश में जो हमारा हिस्सा नंबर सुअम है यानी हिस्सा तीसरा है, उसमें हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि वर्जिश और किस किस तरह से होती है। हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुअम में हमने देखे कि बच्चे अपने जिस्म को हरकत कैसे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के जिस्म में फुर्ती और चुस्ती रहती है और बच्चों की सेहत अच्छी और तंदुरुस्त होती है। अब हिस्सा सुअम में हम देखेंगे कि योगासन और प्राणायाम कैसे करते हैं, जिसके करने से बच्चों की सांस तेज़ी से ना होते हुए उनकी सांस को कैसे लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं, ये तंदुरुस्ती उनके अंदर आती है। दूसरा, प्राणायाम और योगासन करने से हम तंदुरुस्त होते हैं। तो आइए इस सबक के हिस्सा सुअम में हम देखेंगे कि प्राणायाम और योगासन क्या होता है। बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है, हम सब मांडी मार के यानी पालथी मार के बैठ गए हैं। अब आपके दोनों हाथ अपने मांडी पे ऐसे रखो। हाँ, अब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और थोड़ी लंबी सांस लो। हाँ, छोड़ो और एक बार सांस लो और एक बार छोड़ो। वेरी गुड। अब अपने हाथों की उंगलियों को सामने लेके आओ। हाँ नम्रा, आप भी ऐसे लेके आओ। हाँ वेरी गुड। और एक सांस लो। हाँ छोड़ो। हाँ वेरी गुड। अब आंखें खोल दो। हाँ आंखें खोल दो और अपने दोनों पैरों के पंजों को ऐसे सामने लेके आओ। तितली वाली हरकत इसे कहते हैं। कौन सी हरकत कहते हैं? तितली वाली। हाँ ऐसे। अब इसको थोड़ा ऐसे ऐसे हिलाओ। हाँ वेरी गुड। किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है ना? हाँ शाबाश। अब वापस अपनी पहले वाली हालत में चले जाओ। हाँ अब फिर से ऐसे बैठ जाओ। वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं। सामने की तरफ आ जाओ। हाँ पैर लंबे करो। हाँ अब उसके बाद, हाँ अपने कमर को नीचे चिपका दो, पैरों को गर्दन ऊपर करो। वेरी गुड। इस तरीके से वर्जिश करने से हमारे जिस्म में तंदुरुस्ती आती है, हमारा जिस्म और हमारे जिस्म के आज़ा लचीले होते हैं। ठीक है, तो रोज़ करेंगे सब वर्जिश? वेरी गुड।